वेलकम टू ईशानी वीडियोस। आज के आने वाले एपिसोड के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। आज आपके मन में सबसे बड़ा सवाल होगा, आखिर में माहिर किस वजह से मुसीबत में पड़ने वाला है। ये सवाल आपके सबके मन में होगा, आखिर में ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो कि माहिर इतना बड़ा मुसीबत में पड़ गया और माहिर बुरी तरह से मुसीबत में है कि उसकी जान तक बनकर आ गई है। तो चलिए सभी खबर हम आपको बताएंगे किस वजह से ये हो रहा है, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। आखिर में यहाँ पर माहिर सबसे आसान जरिया है बेला को कमजोर करने का, बेला को कमजोर करने का और बेला को यहाँ पर पूरी तरह से चूर करने का। यहाँ पर वही है, वही चीज़ अपनाई जा रही है और माहिर को यहाँ पर मोहराब बनाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न आपके मन में ये होगी, यहाँ पर एक सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट की जाएगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आखिर में यहाँ पर विशाखा और विक्रांत खुद एक थोड़े बहुत नेगेटिव किरदार में नज़र आने वाले हैं, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं, यहाँ सिर्फ एक भ्रम होगा, भ्रम के तौर पर ये किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर भ्रम को पूरी तरह से आगे बढ़ाने के लिए और आपको कन्फ्यूज़न में डालने के लिए ये सब दिखाया जाएगा। लेकिन माहिर किस वजह खतरे में पड़ा है, चलिए वो बता देते हैं। बेला नागमणी किसी को नहीं देना चाहती और नागमणी कहाँ है वो नहीं बताना चाहती और उसी की वजह से यहाँ पर माहिर पूरी तरह से खतरे में पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इंतकाम लेने के लिए और अपना बदला निकालने के लिए माहिर को मोहरा बनाया जा रहा है कि नागमणी कहीं ना कहीं से उसे मिल जाए। अब नागमणी मिलने के लिए यहाँ पर मोहरा बनाया गया है, इसी वजह से बड़ा हुआ है यहाँ पर माहिर खतरे में, खतरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अब बेला को दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, नागमणी या फिर माहिर। अब दोनों में से किसको चुनेगी यहाँ पर बेला, वो तो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। अब तामसी क्या होता है, उसका अगला प्लान, वो भी आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। और एक आपको आज सस्पेंस देखने को मिलेगा कि किसकी एंट्री होने वाली है। अब किसकी एंट्री होगी आज भी आपको नहीं पता चलेगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट वीक के लिए। कैसी लगी वीडियो, कितनी ज़्यादा अच्छी थी इन्फॉर्मेशन कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलना दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लेना और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू।